देखिएगा, एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, माना कि आपका संपूरक कोण 180 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा? दूसरा कोण इसका 5 गुना है, 5 गुना है, इसलिए क्या हो जाएगा? 5 x डिग्री, कितने x डिग्री हो जाएगा? 5 x डिग्री। बस फिर क्या, तो आपको यहाँ पे संपूरक कोण की परिभाषा क्या कहती है? संपूरक कोण की परिभाषा कहती है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एम्प्लाइज डेट। कोण A का मान बोलो, कोण A का मान है 180 डिग्री। कोण B का मान कितना? 5 x डिग्री, बराबर में कितना? 180। तो 1 x और 5 x कितने हो गए भैया? 6x हो गए, बराबर में कितना? 180। एम्प्लाइज डेट x बराबर क्या हो जाएगा? 180 बटे 6। तो 6 से काट दो, 6 3 18, 0 का 0, तो एम्प्लाइज डेट x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। x का मान कितना आया? x का मान आया 30, यानी कि अब x 30 है, और 30 हमने किसको माना? A को। तो कोण A, कोण A कितने डिग्री है? कोण A आपका 3 डिग्री आ गया। अब कोण B निकालना है, तो कोण B क्या है? कोण B कितना बेटा? 5 x 5 गुना, कितने गुना? 5 गुना, तो 5 x का मान कितना? 30, तो कितना हो गया भैया बताओ तो भैया फटाफट? 150 डिग्री। किसका आ गया था ये 150 डिग्री? करा था किसी? 150 बता दिया था क्या? वाह यार, चलो अच्छी बात है।